और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो आपका NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के तरफ से टोटल 5647 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले साल इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, उसके भी पिछले साल इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद यहाँ पे NFR की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ITI बेस और 12th पास जो जिनका बायो से है 12th, वो सभी छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ITI में आपका 24 ऐसा ट्रेड है, 24 से 25 ट्रेड को मौका दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कितना कटअप था। चाहे आप 24-25 जितना भी ट्रेड का वैकेंसी आया है, सभी ट्रेड का हम आपको ऑफिशियल प्रीवियस ईयर का कटअप बताएंगे कि जब इसका पिछला बार भर्ती आया था तो उस टाइम DV में या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना कटअप गया था, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए साथियों, बहुत सारे छात्रों का लास्ट उम्मीद जिसका कहीं नहीं हो पा रहा है, लास्ट उम्मीद बचा हुआ है NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए थे, वो वीडियो को देखकर ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने ही वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों हम फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया है। 4 तारीख से आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका यहाँ पे रहेगा 3 दिसंबर 2024। अगर पोस्ट का बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 5647 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये टोटल 8 ऐसे डिविजन है जहां से भर्तियां देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात NFR में ये है ना कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका ट्रेड का वैकेंसी जिस यूनिट में रहेगा, वर्कशॉप में रहेगा, वो सारे यूनिटों को आप प्रिफरेंस में डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिक, तिनसुखिया, न्यू बेंगोई गांव, डिब्रूगढ़ और NFR हेडक्वार्टर, सभी का वैकेंसी स्लॉट आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसका ट्रेड वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ट्रेड वाइज वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया है। आप पहले एक बार ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेलेक्ट डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। जैसे कटिहार में बात करें, आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये सभी ट्रेड हैं। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल TDS वर्कशॉप है, उसमें ये सभी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ये सभी ट्रेड, SNT डिपार्टमेंट में ट्रेड, इस तरह करके आपका ट्रेडों का बंटवारा किया गया है। अब देखिए जो इसका प्रीवियस वैकेंसी आया था पर्टिकुलर, उसका एक एक डिवीजन करके हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, ये प्रीवियस सेशन का है जो आपका 20-21, 21-22 और 22-23। अभी जो वैकेंसी निकाला गया है वो आपका 23-24 और 24-25 से, मतलब 2 सेशन का एक बार वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो जो DV के लिए अपडेट आया था, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल और SNT, सभी का अपडेट आया था। तो सभी का हम आपको एक एक करके ट्रेड वाइज कटअप जो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हर ट्रेड का मिक्सअप कटअप है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मिक्सअप कटअप यहाँ पे बताया जा रहा है हर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका, देखिए पहला आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड नेम और यहाँ पे सब यूनिट को आप ध्यान नहीं दिया। ट्रेड देखिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स गया था वो यहाँ पे गया था 79.05, ठीक है। उसके बाद अब यही नहीं, और भी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक और देखिए इलेक्ट्रीशियन का आपका 76.2%। कैटेगरी देखिएगा तो SC कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। डीजल मैकेनिक का एक कट ऑफ आपको दिखा देते हैं, डीजल मैकेनिक का एक कट ऑफ OBC का है 75.98। इसमें देखिए हर ट्रेड का एक एक करके ट्रेड का कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ये PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, तो वहां से भी जाके आप आराम से बिंदास होकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं फीटर का भी देख लीजिए। फीटर का जो यहां पे कट ऑफ है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए 74% पर सिलेक्शन हुआ है, वो भी अगर कैटेगरी का बात करिएगा तो UR में आपका 74 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हम लोगों ने देख लिया, फीटर का एक और कट ऑफ देख लीजिए, OBC में 69 पे भी सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रीशियन का अगर आप एक और कट ऑफ देखना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए 69 पे भी सिलेक्शन हुआ है OBC में। इसीलिए हम आपको बोले कि अगर आपका 55% बन रहा है ना, 60% बन रहा है, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। ये तो मतलब वैसे ट्रेड है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। कुछ ऐसे भी ट्रेड है जिसमें बहुत कम
कंपटीशन है वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए डीजल मैकेनिक का पर्टिकुलर एक कैंडिडेट है यहाँ पे यूआर से, जिनका सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे 61.55 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है, तो ये सारे ट्रेड को हम लोगों ने कवर किया। अब और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन का हम लोगों ने देखा, फीटर का देखा, डीजल मैकेनिक का देखा, उसके बाद और कौन कौन सा ट्रेड है। अब इलेक्ट्रिकल ट्रेड में देख लीजिए, अब इलेक्ट्रिकल ट्रेड में बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे तो इसमें कितना कट ऑफ गया, यहाँ पे थोड़ा सा जो लिस्ट वन है, ये लिस्ट वन है, देखिए L1 मतलब लिस्ट वन है, यहाँ पे लिस्ट के वन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा सा कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है, 84 के आसपास इसमें कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी और लाइनमैन जो भी आपका इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम है, कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए ओबीसी में 73, इस तरह करके आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिला। और आगे बढ़िए, उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें आपका बात करें कौन कौन सा ट्रेड है, कारपेंटर का, कारपेंटर का कटअप तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही कम जाता है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे सब ओबीसी का देख लीजिए 66 पे हुआ, यूआर का अगर बात करेंगे तो 67 पे हुआ, ठीक है। मैजोन ट्रेड में अगर बात करते हैं तो मैजोन का देख लीजिए यहाँ पे यूआर में 72 पे सिलेक्शन हुआ, पेंटर का बात करेंगे तो पेंटर का यूआर में देख लीजिए 67 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्लम्बर ट्रेड आता है, प्लम्बर ट्रेड का देख लीजिए यहाँ पे यूआर का 75 पे हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन टीआरडी ट्रेड में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन टीआरडी ट्रेड में आपका जो यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ओवरऑल अगर बात करते हैं तो देखिए यूआर में आपका 65 पे सिलेक्शन हुआ। इलेक्ट्रीशियन जैसा कॉम्पिटेटिव ट्रेड में भी आपका यहाँ पे कट ऑफ 65-70 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है यूआर का। एससी का बात करेंगे तो 65 हुआ, ओबीसी में आपका 72 और 70 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। यही नहीं, अभी और देखिए मैकेनिकल डीजल का देख लीजिए, मैकेनिकल डीजल का अगर बात करेंगे, जो छात्र मैकेनिकल डीजल वाले होंगे वो भी देख लीजिएगा, मैकेनिकल डीजल से अगर बात करते हैं तो ये आपका यूआर से 76 पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपका ओबीसी से, ओबीसी वगैरह एसटी का देख लीजिए, एसटी का आपका 72 पे सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद ओबीसी का 77 पे सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरह करके आपका जो सिलेक्शन है वो देखने को मिल रहा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ऑलरेडी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, तो यहाँ पे एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था जो 81% पे किया गया था। फीटर ट्रेड में अगर बात करते हैं तो फीटर ट्रेड का आप लोग थोड़ा कट ऑफ देख लीजिए, फीटर वाले कैंडिडेट सोच रहे होंगे हमारा नहीं आ रहा, तो देखिए फीटर वाले देख लीजिए, फीटर वाले का जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था वो आपका यूआर से 81 गया था, ठीक है। थोड़ा सा फीटर क्योंकि वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इस बार आपको अच्छा खासा वैकेंसी जो है देखने को मिल रहा है। एसटी में आपका 77 पे नाम आया था, 74 पे भी नाम आया था एसटी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगर और यहाँ पे देखा जाए, चलिए और आगे बढ़ते हैं, मैकेनिस्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, और 6 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूआर में 78 गया था, ओबीसी में 75 गया था। इस प्रकार आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक में अगर बात करते हैं तो इसमें आपका जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है यूआर में आपका 76 और एससी में आपका 75, ओबीसी में आपका 74, ठीक है। वेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट देख लीजिए, वेल्डर ट्रेड में कितने परसेंट पर नाम आता है एनएफआर में, हालांकि इस बार कट ऑफ और कम जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर यूआर में बात करेंगे तो 70 पे सिलेक्शन हुआ, अनरिजर्व में 70 पे सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे एसटी में बात करेंगे तो एसटी में देखिए 69 पे ही मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, ठीक है ना। एसटी के बाद अगर और बात करते हैं ओबीसी वगैरह का क्या सीन था वेल्डर में, तो ओबीसी का भी देख लीजिए 69 पे मेरिट में नाम आ गया था, ठीक है। तो वेल्डर ट्रेड का कटअप ऐसे भी ज्यादा नहीं जाता, और वैकेंसी अब ज्यादा हो तो ऐसे भी जो वेल्डर ट्रेड का कटअप है वो डाउन हो जाता है। तो ये पूरा कटअप था जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में बात किया। अब आपको हम एक ओवरऑल बताते हैं कि आपका कितना परसेंटेज पे यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो और आप एनएफआर में अगर रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर फॉर्म भरे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपका टेंथ में 50% से नंबर ज्यादा होना चाहिए। 50% के बराबर है तो भी चल जाएगा, और नहीं तो भैया आपको 50% के ऊपर नंबर रहना होगा टेंथ में, बस यही क्रिटेरिया है। बाकी अगर आपका टेंथ प्लस आईटीआई मिलाकर अगर आपका 55% भी बन रहा है, 60% भी बन रहा है, 65% बन रहा है, यहाँ तक कि अगर आपका 70 भी बन रहा है, तो भी आप आराम से बिंदास होकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। परंतु एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले वैकेंसी टेबल पर जरूर नजर डालिएगा, जहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसी है, जिनका परसेंटेज कम है उनको पहले, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है उनको फर्स्ट प्रिफ्रेंस में रखना है, और आपको घटते हुए क्रम में वैकेंसी को आपको सजाना है और डिवीजन को उस
ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा और बाकी आपका जितना परसेंटेज भी बन रहा ना, आराम से फॉर्म भरिए, यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और खासकर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हो गए हैं, फिटर वाले बच्चे हो गए हैं, डीजल मैकेनिक मैकेनिस्ट वाले बच्चे हो गए, जिनका कट ऑफ ज्यादा जाता है, वो लोग तो जरूर से जरूर इस NFR का फॉर्म भरिएगा, अगर आप रेलवे अप्रेंटिस के बारे में अगर सोच के रखे हो तो, ठीक है। बाकी अगर आपका जो भी ट्रेड होगा और 10th+ ITI मिलाकर जितना भी आपका एवरेज बन रहा होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। बाकी हम एक और डिवीजन के ऊपर भी हम बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल करके, वहां पे जुड़ जाइएगा, पल पल का अपडेट आप लोग को देखने को मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।